हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भिंडी की भुजिया बनाएंगे। आप इसे भिंडी की सूखी सब्जी या भिंडी फ्राई भी बोल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भिंडी की भुजिया। भिंडी का सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है लगभग 250 ग्राम जितना भिंडी, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अभी काट लेंगे। देखिए, अभी हम भिंडी को काट लिए हैं ऐसे छोटे छोटे पीस में। और मैं आप लोगों को बताती हूँ और इसमें हम क्या क्या चीज़ डालेंगे। और हमने लिया है 2 प्याज जो हम ऐसे काट लिए हैं, और थोड़ा सा अजवाइन लिए हैं 1 छोटी टीस्पून, और थोड़ा सा जीरा, और 1 नींबू का टुकड़े जो लास्ट में हम डालेंगे, और थोड़ा सा लहसुन 4-5 कलियाँ ले लिए हैं, और सूखी मिर्च हम 4 ठो लिए हैं। और मसालों में हमने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 छोटी टीस्पून, और स्वाद अनुसार नमक। और ये हमने लिया है कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा हींग। अभी हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए, कढ़ाई गरम हो गया। सबसे पहले हम 3 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। हम सरसों का ऑयल लिए हैं, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। देखिए, तेल गरम हो गया। हम इसमें सबसे पहले जीरा डाल देंगे और अजवाइन। अभी हम लहसुन डाल देंगे, अभी सूखी लाल मिर्च, अभी हम भिंडी डाल देंगे और प्याज हम बाद में डालेंगे। भिंडी को अभी अच्छे से फ्राई करेंगे। भिंडी 50% जितना फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम प्याज डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से सब चीज़ को मिला लेंगे और नमक हम प्याज डालने के बाद ही नमक डालेंगे। इसको हम बिना ढके ही पकाएंगे और आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। देखिए, 50% जितना कुक हो गया है, कलर भी चेंज हो गया। अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। बाद में प्याज डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी और 50% जितना फ्राई करेंगे तो उसी बीच प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। आप एक बार ऐसे बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है ये भिंडी का भुजिया। अभी हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और कुछ टाइम ऐसे ही पकाएंगे हाई फ्लेम में। देखिए, सब्जी 90% जितना फ्राई हो गया है। अभी हम जो काट के रखे थे नींबू, वो नींबू का रस हम इसके ऊपर डाल देंगे। नींबू का रस डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये भिंडी और प्याज वो आपस में चिपकता नहीं है और वो सब्जी पूरा खिला खिला बनता है। और आप नींबू के रस के बदले में आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो डालने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, हमारा सब्जी कितना अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, हमारा भिंडी का सब्जी अच्छे से बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और हम इसमें कुछ भी मसाले नहीं डाले हैं। अभी हम गैस बंद करके इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारा भिंडी की भुजिया बन के रेडी हो गया। आप इसे चावल, रोटी, चपाती के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।